का जैसी करनी वैसी भरनी। माइक नहीं लगेगा, माइक नहीं लगेगा। बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे देना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया होगा? बेटा पापा आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना दो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो, ये लो। पापा पापा ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा आप खांसना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है, दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं। दादाजी तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तूने, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ, परेशान करके रखा ही उन्होंने। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जाओ और अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी मेरा चश्मा कहाँ है, जरा ढूंढ के तो देना है। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन पापा का चश्मा ढूंढ के दो।
ड्रामा है ये, लगता है आप सचमुच अंधे हो गए हो। ये सामने ही तो रखा है चश्मा, पता नहीं पापा आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा? तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना? पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान, उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? मेरे से गलती हो गई, मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। आपके बच्चे जो देखते हैं